दोस्तों, अगर आपके फोन का भी टच स्क्रीन सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है, या फिर आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो बहुत लेट से ओपन होता है, एप्लीकेशन सही से काम नहीं करता है, वैसे में लोग करते क्या है ना कि अपने फोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस केयर में और उन्हें बोल दिया जाता है कि भाई आपकी जो फोन का टच स्क्रीन है उसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप घर बैठे ही अपने फोन के टच स्क्रीन को सही कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपके जो फोन का टच स्क्रीन है ना, बिल्कुल मक्खन जैसा काम करेगा और कहीं भी हैंग नहीं करेगा और ना ही कभी स्लो काम करेगा। आपको सिर्फ अपने फोन के अंदर कुछ हिडन सेटिंग्स अप्लाई करना होगा जो कि हिडन होता है और आपको खुद से उसे ऑन करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स कौन सा, उसे कैसे यूज करना है, तो वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने फोन के टच स्क्रीन हैंगिंग प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, यानी कि जो आपके फोन का टच स्क्रीन है कहीं भी हैंग नहीं करेगा और ना ही कभी स्लो काम करेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहां पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स होते हैं जो कि आपके फोन के कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे मैं आपके फोन का टच स्क्रीन सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर उसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग्स। यहां पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है एसेसिबिलिटी। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हम सभी के फोन के अंदर होता है, तो डायरेक्टली आपको एसेसिबिलिटी के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ऊपर में चार ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, विजन, हियरिंग एंड फिजिकल का। तो यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको फिजिकल पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पर आपको सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है टच एंड होल्ड डिले। यहां पर आप देख सकते हैं, इस पर आप टैप कीजिएगा तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि आपके फोन में मीडियम पर सेट होता है, जिससे क्या होता है ना कि आपके जो फोन का टच स्क्रीन है ना बहुत स्लो काम करता है। और वैसे में लोग करते क्या है, सोचते हैं ना कि मेरे फोन का जो टच स्क्रीन है वो खराब हो गया है और वो चेंज करवा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। डायरेक्टली आपको मीडियम से हटाकर यहां पर आपको शॉर्ट पर सेट कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके फोन का टच स्क्रीन है बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स देगा, यानी कि आप कुछ भी टच कीजिएगा तो वो तुरंत काम करेगा, जरा सा भी लेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है टाइम टू टेक एक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आप इस पर टाइप कीजिएगा तो यहां पर आपको कुछ मिनट या फिर आपको कुछ सेकंड देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपका क्या होता है कि यहां पर 10 सेकंड पर आपका सेट होता है, जिससे कि आप कुछ भी अपने फोन में टच करते हैं या फिर कुछ भी गेम खेलते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है ना बहुत लेट से होता है, यानी कि 10 सेकंड के अंदर होता है। लेकिन यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको डिफॉल्ट पर सेट करना है। इसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलिए, कोई भी एप्लीकेशन यूज कीजिए, जो आप टच स्क्रीन काम करता है ना वो बिल्कुल आपका मक्खन जैसा काम करेगा, जहां भी आप टच कीजिएगा तुरंत आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। तो डायरेक्टली आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर जरूर करना है, ठीक है। ये दो सेटिंग्स को करने के बाद अब आपको तीसरा सेटिंग्स करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों सेटिंग्स को कर लेंगे उसके बाद ही थर्ड सेटिंग कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको मिनिमाइज आ जाना है, आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है, ठीक है। तो थर्ड सेटिंग्स के लिए आपको अपने फोन के अंदर एक छोटा सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ज्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ 5 या 6 MB का है, आपके फोन में ज्यादा स्टोरेज भी वो कवर नहीं करेगा। तो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को हम यहां से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वो कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो डायरेक्टली आपको यहां से कंटिन्यू पर टाइप करना है, कंटिन्यू पर टाइप करना है, ठीक है। कंटिन्यू पर टाइप करने के बाद यहां पर अगर आपको यहां पर मेंबरशिप चाहिए, यानी कि प्रीमियम चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को आप कैसे फ्री में यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके फोन का टच स्क्रीन प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रायल वर्जन का, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ ऐड आएंगे आपको, तो ऐड को यहां से आप कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद यहां पर आपका क्या होगा, सेंसिटिविटी 1 पे होता है, ठीक है। नीचे में आपको एनालाइज डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके फोन में एनालाइजिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपके फोन के टच स्क्रीन में जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारा यहां पर फिक्स आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहां से बूस्ट कर देना है। बूस्ट करने के बाद यहां पर ऑप्टिमाइजिंग स्टार्ट हो जाएगा आपके फोन में, जिससे कि आपके जो फोन का टच स्क्रीन है ना वो बिल्कुल मक्खन जैसा काम करेगा, यानी कि बूस्ट हो जाएगा। जितने भी आपके फोन के टच स्क्रीन में प्रॉब्लम है, जैसे कि हैंग कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, कोई भी एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रहा है,
आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम खेलने में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो वो सारा यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद जो आपके फोन का टच स्क्रीन है ना, बिल्कुल मक्खन जैसा काम करेगा। जैसे आपके फोन का टच स्क्रीन नया में काम कर रहा था ना, वैसे ही आपके फोन का टच स्क्रीन काम करने लगेगा, कभी भी हैंग नहीं करेगा इस स्टेटस को करने के बाद। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम लगेगा, 2 या 3 सेकंड, तो कुछ वेट कर लीजिएगा। तो ऑप्टिमाइजिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है मेरा, 100% हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद सारे आपके फोन का जो सेटिंग्स है वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 3 सेटिंग्स से आप अपने फोन के टच स्क्रीन के हैंग प्रॉब्लम को, स्लो प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। अगर आपके फोन का टच स्क्रीन हैंग कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, तो वो आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, कभी भी हैंग नहीं करेगा। ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो डायरेक्टली आपको अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है, प्ले स्टोर के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है टच स्क्रीन रिस्पॉन्स स्पीड अप का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया था, डायरेक्टली आपको इसके अंदर जाना है और सबसे ऊपर वाला जो एप्लीकेशन मिलेगा आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर डाउनलोड करना है। इसका रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.3 का रेटिंग है, डाउनलोडिंग की बात करें तो 1 लाख+ डाउनलोडिंग है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को यूज कर कितने लोग अपने फोन के टच स्क्रीन को सही किए हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना बहुत ही वर्किंग एप्लीकेशन है और ये सभी के फोन में काम करेगा। आपका कोई भी फोन हो, किसी भी कंपनी का फोन हो, ये सभी फोन के अंदर काम करेगा। तो ये 3 सेटिंग्स अपने फोन में अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद अपने फोन का जो टच स्क्रीन है वो हमेशा के लिए ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दे, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।